इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। शायद बेलगाम कहिए या फिर पूरी रियासत में आने वाला वक्त काफ़ी मुश्किल तर हो सकता है, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि कुछ सामाजिक खदमात अंजाम देने वाली तंजीमें इनके NGOs पर भी पाबंदियां आयद की जा रही है। अब इस फैसले से तमाम लोग सकते हुए हैं कि आखिर हुकूमत चाहती क्या है। तमाम NGOs ने आज जमात इस्लामी के दफ्तर में मीटिंग तलब फरमाई। बेलगाम DC ने यह फैसला लिया है, पर असल में यह हुक्म ऊपर से ही नाफिज किया गया। पर अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह के फैसलों से हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है? क्या वाकई इस तरह सख्त पाबंदी आयद करने से कोरोना खत्म हो जाएगा? आज सिविल अस्पताल का जायजा लिया गया, जिसमें कई मरीज गाड़ियों में बैठकर बेड मिलने का इंतजार कर रहे थे। महज 5 ही मिनट के अंदर 3 लाशों को बाहर ले जाएगा। अस्पताल में जगह नहीं है, दूर दराज से लोग बिम्स में तो आ रहे हैं, पर यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नजर नहीं आ रहा। सभी को आप या तो बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है कहते देख सकते हैं, या तो मालूम नहीं है कि बात कहते देखा जा सकता है। अब हुकूमत इंतजामिया का ही बोझ तमाम सामाजिक खदमात अंजाम देने वाले इदारे तंजीमों ने अपने कंधे पर उठाया था। वैसे भी आवाम तो यह कह रही है कि अब कंधे सिर्फ जनाजे ही उठाए जाने के लिए रखे गए, क्योंकि हुकूमत बेबस लाचार नजर आ रही है। एक और चारा की हुकूमत की जानिब से यह भी देखी जा रही है कि मौतों के आंकड़े और पॉजिटिव आंकड़े बढ़ाए और घटाए जाते रहते हैं। मतलब आप अगर हुकूमत की तमाम हिदायत पर अमल करते रहते हैं, नतीजे भी बराबर आने की बात कही जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जमीनी हकीकत और मीडिया की तादाद में बड़ी तफावत है। अगर मान लो कल से बहुत ही सख्त लॉकडाउन किया गया, तो क्या वाकई कामयाबी की जमानत कोई दे सकता है? हमारे मुल्क में यह बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा सकता है कि हुकूमत अपने सहूलत के हिसाब से कानून बनाती है और तोड़ती भी है। अगर नाकाम होती है तो इसे आवाम के सर मारा जाता है। ऑक्सीजन ना होने की बिना पर कई मरीजों का घरों में इलाज चल रहा है, जिसकी देखभाल यही NGOs यानी कि सामाजिक खदमात अंजाम देने वाली तंजीमें कर रही है। अगर मान भी लिया जाए कि सभी काम बिम्स के जेर निगरानी ही होंगे, तो क्या सैकड़ों मरीज घरों में जेर इलाज हैं और इन्हें हर रोज ऑक्सीजन की जरूरत है? अगर मरने वालों की तादाद इंतजामिया हुकूमत की लापरवाही का शिकार बन जाते हैं, यानी कि मरीज अगर इस मौत का शिकार बन जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसी हुकूमत के गलत रवैये की वजह से हजारों जाने अब तक जा चुके हैं। आज कई इदारों की जानिब से इजलास मुनक्कद किया गया था, जिसमें हेल्प फॉर नीडी, अंजुमन इस्लाम, अलिकरा समिति के तमाम जिम्मेदारों ने हुकूमत के इस फैसले की पुरजोर मुखालफत करते हुए आने वाले खतरनाक हालात को इंतजामिया हुकूमत ही जिम्मेदार होंगे ऐसा कहा। आइए आज उन्होंने क्या कहा, इस पर एक मुख्तसर सी रिपोर्ट। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संतोष दरेकर हूँ, एक सोशल वर्कर बेलगाम से। इतने बड़े बड़े NGOs हैं जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आप बरियल ग्राउंड में जाओ, दिखेंगे खाना पका रहे, खाना पका के बांट रहे, पेशेंट्स को एडमिट करने का काम कर रहे, पेशेंट के घर में अगर कोई एक्सपायर होता है तो वो घर को सैनिटाइज करने का काम कर रहे, थोड़ा लोग जाके लोगों को कोविड के बारे में बता के जागृति कर रहे, बोल रहे। तो ऐसे बहुत एक टीम है जो डे एंड नाइट वर्क कर रहा है, एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। आज हमको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, हमको तकलीफ नहीं है कि हमको नहीं मिल रहा है बोल के, बट एटलीस्ट आपके बीम्स हॉस्पिटल जो बेलगाम में बीम्स हॉस्पिटल है, उधर इन पेशेंट्स को जो होम क्वारंटाइन, जो प्राइवेट डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप होम क्वारंटाइन हो जाओ, आप एक सिलेंडर का व्यवस्था करो। जब होम क्वारंटाइन होते हैं, सिलेंडर चाहिए तो NGO के पास आना पड़ता है। NGO का सिलेंडर ही ब्लॉक हुआ तो NGO सिलेंडर कहाँ से देगा? रिफ़िल भी नहीं हो रहा है उधर। तो उनके लिए आप कुछ सुविधा करो हेल्प करने के लिए। अगर हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे आप जाओगे, अभी भी आओ मेरे साथ, कुछ उधर पेशेंट्स को एडमिट करके नहीं ले रहे, उनको सिलेंडर नहीं है, बेड्स है, सो रहे, पर जिस पेशेंट को सिलेंडर चाहिए उसको सिलेंडर नहीं है। थोड़े लोगों को बोला जा रहा है कि तुम सिलेंडर अरेंज करो और आके इधर सो जाओ, तो फिर ये सिलेंडर मिलेगा कहाँ से? मेरे पास जितने सिलेंडर है, मैं आज बोलता हूँ कि मैं आके बीन्स में दे देता हूँ, आप लोगों का जान बचाओ, पर उनको हेल्प करो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों का प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग पैसा नहीं डाल सकते। आज 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए का बिल हो रहा है। हमारे पास पेशेंट्स आके बोलते हैं, सर 1 लाख रुपए का बिल भर के अभी डॉक्टर ने बोला होम क्वारंटाइन हो जाओ, अभी मेरे को सिलेंडर का ज़रूरत है। तो फिर आप जब पैसा ले रहे हैं तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट दो, उसको केयर करो और उसको ठीक करो, यही मैं बोलना चाहता हूँ।
आज ही जी पत्रकार परिषद इथं घेण्यात आलेली आहे ती जे प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे सगळ्या सामाजिक संस्थांना ऑक्सिजन पुरवठा बंद करण्याची त्याचा खरोखर निषेध होईल तेवढा कमी आहे. एकीकडं बीम्सचा आंधळा कारभार, दुसरीकडं प्रायव्हेट हॉस्पिटलची न पुरवणारी बिलं, त्यात सामान्य माणसांच्या मदतीला जाऊन येणाऱ्या सामाजिक संस्थांना तुम्ही ऑक्सिजन पुरवठा बंद केला आहे. तुम्ही बंद केला म्हणून अजिबात ह्या लोकांना म्हणजे काय वाईट वाटून घ्यायचं कारण नव्हतं. तुम्ही तुमच्याकडे तेवढी व्यवस्था असेल तेवढी तुम्ही त्या लोकांचा जीव वाचवण्यात तुम्ही सक्षम असाल तर तुम्ही खुशाल बंद करा. बरेच लोक आता इथं काम करत असताना आम्ही बघतो दरेकर आहेत आमचे फूड फॉर निडीचे आमचे आंघोळकर साहेब आहेत स्वतःच्या जीवावर उधार होऊन त्यांनी रोज शेकडो लोकांच्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करतायत. त्यांच्या कुठंतरी समाजकार्याचं तुम्ही जाण ठेवून त्यांना मदत करणं तुमचं कर्तव्य आहे. आम्ही लोकवर्गणीतनं एक आयसोलेशन सेंटर सुरू करण्याचा प्रयत्न करत होतो. आम्हाला काल चेकलिस्ट वगैरे देऊन परवानगी देण्यात आली होती. आत्ता DHOचा फोन येतो आहे की तुम्ही असं काही करू शकत नाही आणि तुम्हाला आमच्या पूर्ण परवानगीच्या लेटरनिशी काम करावं लागेल आणि तुम्ही हे थांबवा आणि आम्ही सांगितल्याशिवाय तुम्ही काही करू नका. नेमकं या मागचं राजकारण काय हे पहिल्यांदा जाणून घेण्याची खऱ्या अर्थानं गरज आहे. आत्ता गेल्या काही दिवसांभरात ज्या संस्था काम करत आहेत आता यांच्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते असतील, अंजुमनसारखी संस्था आहे, अलिकरासारखी संस्था आहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करतो आहे, श्रम सेनेची लोकं काम करत आहेत, प्रत्येक संस्था आपापल्या परीनं काम करते. त्यामुळं मृत्यूदर हा आटोक्यात होता. त्यांना वेळेवर घरगुती उपचार मिळूनसुद्धा रुग्ण बरे होत होते. यापुढं जो मृत्यू तांडव घालणार आहे त्याची पूर्ण जबाबदारी प्रशासनानं स्वीकारावी. COVID-19 जो है ये बीमारी वह ऐसी फैल रही है कि पूछो मत. पिछले साल जब कोविड का फर्स्ट फेज था जब हर NGOs बेलगाम का हर NGOs जो है वो अपने दिलो जान से काम किया और इतने सक्सेसफुल रहे कि कोविड फर्स्ट फेज कैसा गया पता नहीं चला. कोविड वन फेज निकल गया जब गवर्नमेंट को आपत्ति नहीं आई कि हम NGOs को ऑक्सीजन देना या ना देना, जब गवर्नमेंट को नहीं आई. अब सेकेंड फेज उससे बहाना आ गया जब गवर्नमेंट बोलती है कि NGOs को सप्लाई नहीं करेंगे ऑक्सीजन. ये क्वेश्चन मार्क क्यों, व्हाई इज दिस हैपनिंग. हमारे डॉक्टर्स दिनों जान से, सल्यूट टू द डॉक्टर्स हु आर फाइटिंग फॉर द कोविड, दिनों जान से काम कर रहे हैं और सल्यूट टू दी NGOs रात दिन जो काम कर रहे हैं. अभी मैं मेरी NGOs की खास अलिकरा की बात करता हूँ, वो तो बहुत से NGOs बैठे हुए हैं. 107 लाइव केसेस हैं हमारे पास, लाइव केसेस. आज मेरा ऑक्सीजन सप्लाई बंद होता है तो मेरे 107 में से कितने पेशेंट मरेंगे पता नहीं. ये क्या कारण है, क्यों रोका गया, क्या चीज़ है. हम कुछ पैसे नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम बस ये बोल रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा के दो. आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, वी ऑल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू डोंट स्टॉप. हमारा ऑक्सीजन भराना बंद मत करो, ऑक्सीजन चालू रखो. वरना एक काम करो, आप हॉस्पिटल में जो है बेड की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है. प्रोवाइड करो ऑक्सीजन बेड, 5,000-10,000 ऑक्सीजन बेड प्रोवाइड करो. ये आपका फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, इसको प्रोवाइड करो और फिर इसको अच्छी से अच्छी तरह हम लोग जो है खुश रहेंगे. भाई हमारी गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है और बाद में हम लोग जो है हमारे भी जो चीज़ है आपको सरेंडर कर देंगे. एलू नमस्कार, नंदेसर सुरेंद्र शिवाजीराव अनगोलकर हेल्प फॉर निडी. एर दिवस इन ऑक्सीजन ಸಪ್ಲೈ NGO ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಒಳಗೆ ಏನು ರಾಜಕಾರಣ ಐತಾ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತಾ ಅದ ತಿಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂದಿ ಸಂಬಂಧ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರ್ದು ಈ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಹೆಸರು ಆಗಬೇಕಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇವೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇತರ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇವೆ ಯಾವುದೂ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಚಾಲು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇವೆ NGOಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಜಿಸ್ ತರ ಬಾಕಿ NGOs ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶೇರ್ ಕರೆ. ಕಲ್ ಕಾ ಏಕ ವಾಕ್ಯ ಬತಾತಾ ಹೂಂ ಮೈ ಆಪ್ಕೋ. ಕಲ್ ಸುಬಹ ಸೇ ಏಕ ಫೋನ್ ಆ ರಹಾ ಥಾ ಮೇರೆಕೋ, ಮೇರೆ ರಿಶ್ತೆದಾರ್ ಮೇ ಹೀ ಆ ರಹಾ ಥಾ ಕಿ ಏಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೋ ಮೇರೆಕೋ.
हम नहीं दे पाए उसको, कल उनकी डेथ हो गई बिना ऑक्सीजन से। अगर ऐसा ही चलता रहा और अगर प्रशासन इसके ऊपर गौर नहीं करी, जितने भी मौतें बेलगाम में होंगी उसके जिम्मेदार पूरा प्रशासन रहेगा। हम काम कर रहे हैं इस प्रशासन को सपोर्ट करने के लिए, हम काम कर रहे हैं वो जो गरीब, जो आदमी अपना हॉस्पिटल बिल नहीं भर सकता, जो गरीब दवाई नहीं ले सकता, जो गरीब आज खाने को मोहताज है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर अभी भी आप प्रशासन आपके आँख कान नहीं खुलते तो हमें इससे आगे जाना पड़ेगा, आपको आगे जाके दिखाना पड़ेगा कि हम भी ये अवाम कुछ कर सकती है, फिर आपके पीछे लग सकती है। और मैं ये लास्ट आपको दरख्वास्त करता हूँ, हम मिलकर काम करेंगे, प्रशासन हो, एनजीओज हो, बाकी हमारे बाकी बहुत सारे लोग इंडिविजुअल सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, हम मिलकर काम करेंगे। आप सपोर्ट करें, हम आपके साथ दो कदम आपके साथ आएंगे। ये गंदी राजनीति छोड़ दें, लोग मर रहे हैं, प्लीज़ इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना ही नहीं है। और जितने फ़ोन आ रहे हैं इनका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन रहेगा अगर इसमें कोई भी मौतें होती हैं। हमारे जितने भी एनजीओज हैं, जहाँ भी हर देश के अंदर एनजीओज के बगैर देश नहीं होता, क्योंकि सरकार के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता तो वो एनजीओ की मदद लेता है और वो ये करता है। तो आज जितने होम आइसोलेशन के अंदर और हमारे जितने पेशेंट्स जो घर के अंदर हैं, वो घर के अंदर इसलिए है कि हमारे सिविल हॉस्पिटल में और हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बेड्स नहीं है, तो इसकी वजह से हम एनजीओस की तरफ से उनकी मदद कर रहे हैं और उनको ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। अगर पहला इमीडिएटली ऑक्सीजन एनजीओस को भी देना, हमारी ये डिमांड है, इमीडिएटली विदाउट एनी डिले पहला ऑक्सीजन पहला सप्लाई करना, उसके बाद में गवर्नमेंट जो है कहीं पर भी आइसोलेशन सेंटर बनाए या ऑक्सीजन बेड का बेड बनाए और पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ले, तब एनजीओज अपना काम बंद करते हैं। तब तक काम बंद करने वाले नहीं, लेकिन इसके आगे अगर कुछ भी होएगा, जो भी अगर करें इसके हमारे मौत का जिम्मेदार जैसा बोले कि पूरा इसका प्रशासन होने वाली, और ये हम सब हमारे एनजीओज की तरफ से, ये जो भी प्रशासन में हमारे यहाँ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो भी बैठे हुए हैं, हम इनके ऊपर कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केसेस फाइल करने वाले, क्योंकि ये 302 का मामला आने वाला, ये पूरा डायरेक्ट एक मर्डर का मामला आने वाला और ये प्रशासन के लिए पब्लिक का मर्डर कर रही है। तो इसके लिए हमारी ये पुरजोर अपील है कि इमीडिएटली पहला ऑक्सीजन रिलीज करें, उसके बाद में तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, हम हमारा एनजीओस काम बंद कर देते हैं। बस ये मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की गई थी, ये मतलब तमाम एनजीओस की जानिब से ऑर्गेनाइज की गई थी ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमें कितनी दुश्वारी हो रही है, हमें ये परेशानी लाहक है कि जहाँ पे मतलब लोग कॉल करें और रो रहे हैं कॉल पे कि इनको ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध की जाए, अगर हम उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं कि तो आप हॉस्पिटल पहुँचो, तो हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल पहुँचते भी हैं तो हॉस्पिटल में इशू ये होता है कि हॉस्पिटल बता रहा है कि आप अपनी खुद की ऑक्सीजन लाओ। ये कितनी बड़ी बात है कि हम हॉस्पिटल भी पहुँचे, ऑक्सीजन में हम ही प्रोवाइड करें, अब कौन सा एनजीओ को ये राउट हो रहे हैं एंड एनजीओ के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो हम पिछले एक साल से ये जो कोविड सपोर्ट ग्रुप है, ये तमाम एनजीओज है, ये सबको ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध करा रहे थे फ्रॉम द पास्ट वन ईयर, बट सडनली द एडमिनिस्ट्रेशन कम्स टू बी चांसेस वी आर नॉट गोइंग टू सप्लाई यू ऑक्सीजन। 200 to 250 कॉल्स पर डे वी आर गेटिंग ओनली फॉर ऑक्सीजन सप्लाई, वी आर हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग सिंस लास्ट 3 days, वी आर इवन यू नो नेग्लेक्टिंग द कॉल्स बिकॉज वी कांट आंसर देम, हम लोग नहीं बता सकते उनको कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं सरकार से ये बताना चाहता हूँ, परेशानी में वहाँ हॉस्पिटल को जा रहा है पेशेंट, कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर बेड नहीं है, बेड है तो फिर ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन मिलती नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिलती एमरजेंसी रहता तो हम लोग एनजीओ से ले जाके वहाँ पे ऑक्सीजन दे रहे हैं। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो बिल भर के भी आता है,
बिल भर के घर घर के अंदर आता है तो भी उसको इतनी तकलीफ का सामना करना, उसको ऑक्सीजन ने फिर से उसको सांस का प्रॉब्लम आता है। दो दो बजे तीन तीन बजे जाके हम लोग जाके वहाँ पे ऑक्सीजन दे रहे हैं। हाँ, लिख रहा हो या हमारा अंजुमन हो, जितनी संस्था है यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या अपना मुफाद के लिए कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम जो गरीबों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। टुडे वी हैव गैदर्ड हियर नॉट टू ब्लेम द गवर्नमेंट, सो लेट मी फर्स्ट क्लियर दैट वी आर नॉट हियर टू ब्लेम द गवर्नमेंट, बट the concern, just to address the government about our concerns. We have seen in the market that we have a very huge population. When we consider about India, we have a very huge population of 133 crores, and when I say 133 crores, I am altogether counting all the communities, all the caste, everyone in this. So this 133 crore people are not that easy to handle when there is a pandemic like this. So it is not that easy for a government to manage this all in one hand. So when the NGOs have come forward by themselves to help out the people, so here we are expecting government to help us.